हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे भारत से संबंधित सामान्य ज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो अभी तक हम लोग 700 क्वेश्चन के करीब ख़त्म कर चुके हैं। 701 से आगे आज हम लोग बात करेंगे। इसमें याद रखिए, आपके जितने भी इससे संबंधित लेक्चर थे वो सभी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए। 701 वां क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? तो याद रखना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितना? 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक है, 9 राज्यों से सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है। क्वेश्चन है आपका दूसरा, निउमोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो आपको बता देना है भारत और बांग्लादेश, ठीक है। क्वेश्चन है आपका तीसरा, कौन सा क्वेश्चन नंबर तीसरा, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए सियाचिन, सियाचिन, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है चार, क्वेश्चन नंबर चार है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो याद रखना द्वीप। क्वेश्चन पांच, क्वेश्चन पांच है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो आपको बता देना है रामेश्वरम, क्या है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन है छह, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो यह आपका गोवा से दमन तक, गोवा से दमन तक, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका सात, लक्षद्वीप समूह स्थित है, लक्षद्वीप समूह स्थित है आपका कहाँ? अरब सागर में, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है सात आठ, क्वेश्चन आठ में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको बता देना है आठ, कौन कौन से, गुजरात है आपका, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर उसके बाद है आपका पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। क्वेश्चन है नौ, क्वेश्चन नंबर नौ है आपका, कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो याद रखना आपकी कर्क रेखा मध्य से गुजरती है, आठ राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन है आपका दस, कौन सा क्वेश्चन नंबर दसवा, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? लाहिचिंग पार सन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, तीनों हैं, ठीक है, इनमें से सही सभी हैं ये सभी, ठीक है, दस का डी। क्वेश्चन है ग्यारह, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाली जल डमरू को क्या कहलाता है? तो आप लोग पाक जल डमरू कहते हैं इसे। याद रखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछता है पाक जल डमरू किन देशों को अलग करता है, तो लोग भारत पाकिस्तान लगाते हैं, लेकिन याद रखना है भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन है बारह, भारत को श्रीलंका को भारत से पृथक करती है मन्नारगी खाड़ी, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका तेरह, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? याद रखिए उत्तर प्रदेश। सॉरी एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा पता है आपको इसमें, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है?
ये होना चाहिए, टी मिस प्रिंट हो गया, ठीक। तो ये आपका गुजरात, ठीक है। क्वेश्चन अगला है 14, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो इसमें आपको बता देना है, पम्बन चैनल, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो याद रखिए, इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन है आपका 16, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? मणिपुर, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 17, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो याद रखना, उड़ीसा, गुजरात से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से और त्रिपुरा से, तीनों से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन है 18, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर भारत और किस देश के बीच का रास्ता है? तो ये है भारत और पाकिस्तान, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 19, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के बेहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो इसमें होगा आपका मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन। क्वेश्चन है 20, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ ने, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन इसीलिए बोला जाता है। क्वेश्चन है आपका 21, क्वेश्चन 21 है, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, ये सभी, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 22, क्वेश्चन क्या है 22, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो यह है गुजरात की, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 23, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो याद रखना, सोडिल पीक, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 24, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? गल्फ स्ट्रीम, बी ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन है 25, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो याद रखना, अल मसूदी। क्या है? अल मसूदी। क्या है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 26, क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो आपको बता देना है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। क्या है? ए ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है आपका 27, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो याद रखना, तमिलनाडु, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 28, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो याद रखना, पवनों की दिशा में परिवर्तन, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 29, क्या है 29, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है? समुद्र से अधिक दूरी, ए ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, समुद्र से अधिक दूरी। क्वेश्चन है 30, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस
किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो ये करता है केरल में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 31 अगला। वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना लेह में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 32। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है चेन्नई में। सी ऑप्शन सही है। क्या है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 33। भारत में औसत वर्षा है, भारत में औसत वर्षा कितनी है? तो याद रखना 118 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 34। बांदीपुर प्रोजेक्टर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक। सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन 35। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको पता है चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर आपका प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है आपका 35। महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 37। क्या है? 37। देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यह गुड़गांव। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 38। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग क्या है? तो याद रखना हथकरघा। क्या है? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 39। क्या है? 39। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखना ए है आपकी पुणे में। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन क्या है? 40। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो याद रखना पूर्व सोवियत संघ के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 41। क्या है? नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो यह है आपका अखबारी कागज। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 42। भारत की जनसंख्या कब करोड़ की हो गई? तो मई 2000 में। मई में हो गई। ठीक, यहाँ करोड़ होना चाहिए था यार। ठीक, क्वेश्चन हटा दिए। ठीक, क्वेश्चन है आपका 43। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो 1921। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 44। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रायद्वीपीय नृत्य है? तो यह है आपका कथक। ए ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है आपका 45। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो याद रखना पावापुरी में। क्या है? पावापुरी में। ठीक, क्वेश्चन है आपका 46। क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 है आपका। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो ये थे आपके रामानंद। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 47। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? तो हुआ
1854 में, ठीक है, क्या है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 48, भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किया गया, तो ये किया गया था कराची में, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 49, डाक विभाग की स्थापना कब हुई, तो ही 1854 में। क्वेश्चन है 50, क्वेश्चन क्या है 50, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया, लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 51, भारत में डाक सूचकांक में कुल कितने संख्याएं होती हैं, कितनी, तो याद रखना 6, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 52, संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है, तो है ईमेल, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 53, भारतीय नेपोलियन की उपाधि से किसे दी गई थी, तो ये दी गई थी समुद्रगुप्त को, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 54, आयुर्वेद के वेद चिकित्सा भगवान की से मानते हैं, तो याद रखिए धन्वंतरी, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 55, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं, समुद्रगुप्त, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 56, कवि कालिदास किसके राजकवि थे, तो ये थे आपके चंद्रगुप्त के, ठीक है, क्या है, बी ऑप्शन चंद्रगुप्त, ठीक है। चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो यह आया था चंद्रगुप्त के दौरान, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 58, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके योग के साथ संबंधित हैं, तो गुप्त वंश, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 59, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, दंती दुर्ग ने, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 60, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था, तो ये था आपका जम्मू कश्मीर, लेकिन आपको पता है 2019 में 370 और 35A हटा दिया गया है, अब यहाँ कोई विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है जम्मू कश्मीर को, ठीक है। अब यहाँ जम्मू कश्मीर में वो सभी प्रावधान लागू होंगे जो अन्य राज्यों में होते हैं, ठीक, वो आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, ठीक है, दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। क्वेश्चन है आपका 61, कर्क रेखा पर भारत का कौन सा शहर अवस्थित है, रांची, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 73, तिहत्तरवा संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो याद रखना पंचायती राज, ये बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 63, भारत में अपनाई जाने वाली पंचायती राज व्यवस्था की संरचना है, याद रखना त्रिस्तरीय। क्वेश्चन है आपका 64, भारत में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई थी, राजस्थान, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 65, पंचायती राज व्यवस्था में सदस्यों के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित सीमा आयु सीमा निर्धारित है, तो याद रखना 21 वर्ष, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 66,
74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 67, नगरीय स्वशासन की संरचना में शामिल है नगर पालिका, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 68, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन है आपका 69, ध्वज गीत की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त ने, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 70, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली का, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 71, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 72, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो याद रखना राष्ट्रपति को, डी ऑप्शन सही है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश शपथ लेता है राज्यपाल के सामने और अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को, याद रखिए, पूछ लेता है कई बार। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में केवल, ठीक है। राज्यसभा की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राज्य सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? मुख्यमंत्री में, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 75, भारतीय संसदीय व्यवस्था में संसद को कितने सत्र होते हैं? तो याद रखना 3। क्वेश्चन है आपका 76, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है, कोलिजियम के द्वारा, ठीक है, उसमें कोलिजियम व्यवस्था है, वही नियुक्ति करता है लेकिन राष्ट्रपति की सहमति से। क्वेश्चन है आपका 77, भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल है, याद रखना थार, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो याद रखना नील नदी सबसे लंबी है। क्वेश्चन है 79, भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है? तो याद रखना 5.5 घंटे, 5 घंटा 30 मिनट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना बेंगलुरु में, ठीक है। क्वेश्चन है 81, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल राज्य कौन सा है? क्या है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल राज्य आपका राजस्थान, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 82, भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखना कांडला। क्वेश्चन है आपका 83, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखना मुंबई, ठीक है। क्वेश्चन है 84, सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका असम में, इसमें बात कर लिए थे, याद रखिए देश का सर्वश्रेष्ठ बंदर है आपका आपका मुंबई में, ठीक है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजली भारत के किस राज्य में? असम में, ठीक है। क्वेश्चन है 85, भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? याद रखना कोसी, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 86, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को। क्वेश्चन है 87, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को, ठीक, पूर्ण रूप से, ठीक है।
क्वेश्चन है आपका 88, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? गांधी जी का। ठीक है, क्वेश्चन है 89, राष्ट्रीय ग्रामीण का निर्माता किसे माना जाता है? राष्ट्रीय ग्रामीण का निर्माता हैदराबाद को माना जाता है। क्वेश्चन है आपका 90, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अकबर। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 91, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो याद रखिए शाह कहा गया, स्थापत्य के का स्वर्णिम युग यह शाहजहां। क्वेश्चन है 90, 91, 92, ठीक है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। क्वेश्चन है आपका 93, मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? लाहौर में। मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? लाहौर में। क्वेश्चन है आपका, भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया? ईरानियों ने। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 95, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता था उसका नाम क्या था? तोरण। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका जोग जलप्रपात। ठीक है, क्वेश्चन है 97, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो ये थे सुकुमार सेन। क्वेश्चन है आपका 98, भारत का प्रथम भारतीय प्रायोगिक अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह था? तो याद रखना अनुसंधान उपग्रह था आर्यभट्ट। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 99, भारतीय भूमि से छोड़ा जाने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा था? रोहिणी फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन था आपका 800। 1991 में भारत के दूसरे गणतंत्र दिवस के परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो याद रखना त्रिभुवन वीर विक्रम सिंह। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 801। 2000 में भारत के गणतंत्र दिवस में परेड में ओलुगन ओबासन जो मुख्य अतिथि थे वह किस देश के थे? नाइजीरिया। क्वेश्चन है आपका 2019 के गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? सिरिल रामाफोसा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 3, पाकिस्तान से भारत में गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए पहले व्यक्ति का नाम बताइए। मलिक गुलाब मोहम्मद। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 804। 1950 में पहली गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम मुख्य अतिथि कौन थे? राष्ट्रपति सुकर्णो। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 805, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 2005 में। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 6, केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो याद रखना 10। क्वेश्चन है आपका 7, और लास्ट, केंद्रीय सूचना आयोग के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कार्मिक मंत्रालय। ठीक है, तो ये थे आपके भारत से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 807 के करीब। ठीक है, 800 लगभग देख लिए हम लोगों ने। ठीक है, आगे हम बात करेंगे विश्व से संबंधित जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन्हें भी हम लोग देखेंगे वर्ल्ड जी को। ठीक है।